तो राइट, हाय एवरीवन, दिस इज मी विपिन साइनिंग इन फ्रॉम ट्रेडिक्स। आज की वीडियो में जो हम बेसिकली बातें करने वाले हैं कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग स्कैम के ऊपर, दैट इज पॉपुलरली नोन एज P2P स्कैम। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव बीन थ्रू द स्कैम, क्योंकि तभी आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो। बेसिकली लाखों यूट्यूबर्स ने लाखों वीडियोज बना के रखी हुई इस टॉपिक के ऊपर, एंड उसके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत डेटा, बहुत ही ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे के रखी हुई है कि वो लोग पैसे चार्ज करते हैं आप लोगों से, या फिर आप लोग जाओ ही मत, आप लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। एंड देयर आर लॉट मोर फैक्ट्स जिनको जो है यूट्यूबर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस नजरिए से उनको उस चीज को देखना था, उस नजरिए से उन लोगों ने उन चीज को देखा एंड आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। वही स्टॉक मार्केट वाली कहानी, ऊपर इंस्टीट्यूशन बैठते हैं, नीचे रिटेलर्स बैठते हैं, रिटेलर्स जो फैलेंगे वो चलता है। सो बेसिकली ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी एंड मेरा जो ओवरव्यू है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया है, जहां से मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को ऑन पॉइंट डॉट टू डॉट दिखाने वाला हूँ। इस व्लॉग में मैंने हर एक चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू एंड, कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, किस तरीके से एक एंडिंग पॉइंट पे आया एंड किस तरीके से हमने किस प्रोसेस को फॉलो किया। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड इन द ब्लॉग टिल एंड। राइट, इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर में। जो अपना रीसेंट स्कैम हुआ था, P2P स्कैम हुआ था, उससे लाइक फॉर्मेलिटीज जो भी, उन सभी को पूरा करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग एंड 6 बजे की अपनी फ्लाइट है दिल्ली एयरपोर्ट से टर्मिनल 3। चलो चलते हैं ऑन द वे। सो ऑल सेट टू गो, बस एक बार मंजीत भाई आ जाए देन यहाँ से निकलते हैं। एंड अभी रस्ते में तो क्या ही व्लॉग बन पाएगा, बट यस, एट द एयरपोर्ट आफ्टर चेकिंग इन लॉन्ज में जाके आप लोगों को मैं 1-2 अपडेट और देता हूँ कि इन केस इफ यू फेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज समडे, देन हाउ यू कैन डील विद सच पर्टिकुलर इश्यूज, एंड उसके लिए आप लोगों को किस तरीके से कॉपरेट करना पड़ेगा, किस तरीके से बात करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ऐसा होता है, सिंस आई अपलोडेड द वीडियो मुझे लगा मेरे साथ ही हुआ, बट मेरे पास आई गॉट 100 DMs कमेंट्स में भी, टेलीग्राम पे भी, दैट हमारे साथ भी P2P स्कैम हुआ है, हमको बुलाया जा रहा है, व्हाट दे विल डू, विल दे अरेस्ट अस, विल दे डू समथिंग टू अस, सो क्या रहने वाला है। एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को, कुछ DMs भी डेफिनेटली दिखाऊंगा आप लोगों को। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो टिल देन। सो बेसिकली दिस इज जस्ट अ नोट आप लोगों के लिए बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, व्हाट इज एक्चुअली P2P। P2P इज अ पीयर टू पीयर स्कैम विच एक्चुअली हैपन्स व्हाइल यू बाय और सेल योर USDT एट एनी अदर क्रिप्टो एक्सचेंज। किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अगर आप बाय एंड सेल करते हो टू योर बैंक अकाउंट, आइदर यू विल बी विदड्रॉइंग, आइदर यू विल बी डिपॉजिटिंग, जो भी आप करोगे दैट विल बी डन विया P2P मेथड, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन मेथड। एंड इन दैट केस वॉट एक्चुअली हैपन्स इज कि कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन्स फेक ट्रांजेक्शन्स या फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स हो जाती है। इनकेस कोई मनी है, फेक मनी है, फ्रॉड मनी है, सस्पिशियस अमाउंट है, वो मार्केट में रोटेट होता है। सो बेसिकली इनकेस अगर वो अमाउंट आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होता है फ्रॉम द बायर या फिर फ्रॉम द सेलर, तो उस केस में आप लोगों का अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है। द पर्सन जिसके भी अकाउंट से वो पैसा गया हुआ होता है, फिर वो फ्रॉड मनी जो भी है, तो रोटेट होता रहता है मार्केट में। बेसिकली जिस भी पर्सन का रहेगा वो डेफिनेटली रिपोर्ट करेगा, वो अमाउंट जिन जिन बैंक अकाउंट्स में रोटेट होगा वो अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। नाउ देर आर सम केसेस, बेसिकली कुछ केसेस में क्या रहता है, इन केस योर अकाउंट इज गेट क्रेडिटेड बाय 10,000 INR, तो आपके अकाउंट पे जस्ट 10,000 INR का स्टॉप प्लेस कर दिया जाएगा एंड उसके बाद आपका जो बाकी का अमाउंट रहेगा वो रिलीज रहेगा। विद दैट यू कैन मेक पेमेंट्स या फिर आप चेक से विदड्रॉ कर सकते हो। इन सम केसेस, इन सस्पिशियस केसेस, वो क्या करते हैं आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर देते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट फ्रीज कर देते हैं। अगर वो अमाउंट फ्रीज कर देते हैं देन बेसिकली आपको ब्रांच से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कस्टमर केयर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली गो टू ब्रांच मैनेजर एंड उनसे पूछिए व्हाट इज एक्चुअली केस। वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे एंड आगे की गाइडेंस जो भी आप लोगों को वो दी जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। वो आपको बुलाएंगे भी, आपसे पूछताछ भी होगी थोड़ी बहुत, डेफिनेटली एक दो एप्लीकेशंस भी लिखवाई जाएंगी टू रिलीज योर बैंक अकाउंट वंस अगेन। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है P2P से, क्रिप्टो एक्सचेंजेस। कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज जो लाइक बेसिकली TDS पे नहीं करता है ड्यूरिंग पेइंग टू अस, या फिर बाइंग एंड सेलिंग किसी भी टाइम पे अगर TDS पे नहीं हो रहा है, ठीक है, सस्पिशियस अमाउंट है, फिर बोलता है थर्ड पार्टी से हम पेमेंट कर रहे हैं। सो दीज आर द पर्टिकुलर रीजंस जो इन चीज़ों के बीच में आके जो अमाउंट है फेक अमाउंट, वो जब भी मार्केट में रोटेट होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपके अकाउंट्स फ्रीज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक और की पॉइंट, अब ऐसा नहीं होगा कि इन केस आपने कल ट्रांजेक्शन कराया तो आज के दिन में ही आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। इट मे टेक 1 month, इट मे टेक 2 months, इन माई केस इट टुक 8 months। April 6th का वो ट्रांजेक्शन था एंड नाउ ऑन December 27th मेरा अकाउंट जाके फ्रीज हो गया था। सो बेसिकली ड्यूरेशन कितना भी खिंच सकता है, उस केस की इन्वेस्टिगेशन जब तक चलती रहेगी तब तक
कुछ भी हो सकता है, आपका अकाउंट कभी भी एनी टाइम फ्रीज हो सकता है। एंड एक और चीज़, उसका अल्टरनेटिव आपको घर पे बैठे नहीं मिलेगा, कितने भी आप अप्रोच लगा लो, कितने भी आप पहचान निकाल लो, आपको डेफिनेटली एक बार तो विजिट करना ही पड़ेगा एट द ब्रांच, तभी आप लोगों को उस चीज़ का कोई अल्टरनेटिव मिल पाएगा। एंड बेसिकली मेरा स्टॉप लगा है बैंगलोर से, शिवाजी नगर की ब्रांच से, तो मुझे उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा एंड वहीं पे पहले पुलिस स्टेशन से एप्लीकेशन लिखवा के देन दे विल बी फॉरवर्डिंग इट टू बैंक एंड देन मेरा जो अकाउंट है वो रिलीज हो पाएगा। सो बेसिकली अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, इट्स टाइम टू चेक इन टू फ्लाइट नाउ, बोर्ड करते हैं फ्लाइट में एंड उसके बाद डायरेक्टली मैं आपसे मिलता हूँ बैंगलोर में एंड बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस रहता है क्या नहीं रहता। सो ऑलराइट, इन बैंगलोर करंटली। बैंगलोर आते के साथ सबसे पहले ना चाय पी, ना कुछ खाना वाना खाया, कुछ भी नहीं खाया। फर्स्टली डायरेक्टली इनटू द पुलिस स्टेशन टू रिलीज आवर स्ट्रेस, जो अपना सबसे बड़ा स्ट्रेस था एक तरीके से, उसको रिलीज करने के लिए बेसिकली अपनी डेस्टिनेशन पे हम लोग अभी जो आ चुके हैं। हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मिस्टर उमेश कुमार, वो भी हमें बस थोड़ी बहुत देर में असिस्ट करते होंगे एंड दे विल बी एक्सप्लेनिंग अस कि क्या कुछ वजह थी या फिर क्या कुछ रीजन था जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट रेज हुआ एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन टू फाइट विद दैट, टू रिलीज दैट, कि किस तरीके से अपना अकाउंट जो अभी रिलीज हो पाएगा। सो आई विल बी शोइंग यू स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप लोगों का भी जो थोड़ा फोबिया है या फिर आप लोगों के अंदर डर है कि हाउ दे विल बिहेव, हाउ दे विल रिएक्ट, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों के अगर फंड जाए ना तो उस चीज के लिए आप एक स्टैंड बैक ले सको। ऐसा नहीं है कि जा रहा है तो जाने, तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड हो पाएगा इफ पॉसिबल देन मैं सर से भी डेफिनेटली आप लोगों को एक बार क्लियरेंस दिलवाने की जरूर से ट्राई करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, किस तरीके से आप लोगों को उन चीजों से डील करना चाहिए, डर के बैठना चाहिए या फिर यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो टिल एंड। अभी पुलिस स्टेशन में आ चुके हैं एंड थोड़ी देर में सर हम असिस्ट करेंगे, जैसा भी रहने वाला है आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल टू यू। सो इसके बाद सीधा मैं गया पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद एज यूजुअल थोड़ी बहुत देर के लिए हमने जो वहां पे वेट किया, वेट करने के बाद हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर उमेश कुमार हुआ है, जो केसेस और थे जो उनको डायरेक्ट करने थे वो किया, उसके बाद डायरेक्टली ही हैज बीन थ्रू अस। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट इज आवर केस, हमने उन्होंने केस को स्टडी किया एंड बताया फिर उसके बाद कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डार्क सीक्रेट ऑफ दिस पी2पी स्कैम, जो कि आपको आगे आने वाली एंटायर वीडियो में पता चल जाएगा। एंड उन्होंने एक छोटा सा नोटिस दिया आप लोगों के लिए भी, नॉट मच बट यस, उन्होंने इतना कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग डर जाते हो ना ऐसे स्कैम से जहाँ पे आप सही भी हो हजार हजार दो दो हजार रुपए को लेकर, कि पता नहीं कितना लंबा केस चलेगा, पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, एक छोटा सा नोट दिया उन्होंने, जब आप हजार हजार दो दो हजार को नेग्लेक्ट करते हो ना तो अमाउंट करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है एंड सामने वाला इसी चीज का फायदा उठाता रहता है। सो बेटर आप लोग के पास से अगर एक रुपया भी जा रहा है तो आप लोग उस चीज के लिए भी एक्शन लो, वो आपकी कमाई हुई अमाउंट है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, सामने वाला ऐसे ही कैसे लेके चला जाएगा। उनका बस इतना ही कहना था कि स्कैम कैसा भी हो एक्शन उसके ऊपर जरूर से जरूर लो, नियर बाय साइबर क्राइम में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके, कहीं पे भी जाके, आजकल ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी साइट्स है, वहां से भी आप लोग जो है कंप्लेंट को रेज कर सकते हो। उन्होंने मुझे पूरा का पूरा डार्क सीक्रेट बताया अबाउट दिस बाइनेंस पी2पी स्कैम, जो कि आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। एंड इसी के साथ मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखी थी, वहां से उन्होंने मुझे बताया दैट दिस इज द पर्टिकुलर अल्टरनेटिव टू बी आउट ऑफ दिस, वो भी मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया एंड मे बी आप लोगों को थोड़ा बहुत विजिबल भी होगा। एंड मेक श्योर टू स्टे ट्यून इन द एंटायर व्लॉग टिल एंड, आप लोगों को मैं आगे पूरा का पूरा प्रोसेस भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से एक एंड हुआ इस सिचुएशन का, किस तरीके से मैंने विक्टिम ने हम सब ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज करके किस तरीके से इस केस को एंड अप किया। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून इन द ब्लॉग। सो ऑलराइट, वेलकम टू आवर अरीना। बेसिकली पुलिस स्टेशन में तो देखो हम लोग बींग जेन्युइन शूट कर नहीं पाए वहाँ पे, बाकी हाँ अभी मैं आप लोगों को ऑन डॉट बता देता हूँ डिटेल में, वन ऑन वन की क्या हुआ, कैसा हुआ, व्हाट दे हैव आस्क्ड, उन्होंने क्या चीज समझाई, सबसे मेन चीज वो एक ऐसी चीज विद दैट आई वाज इवन अनअवेयर कि लिटरली ऐसा भी हो सकता है कितने ज्यादा ट्रस्टेड ब्रोकर में। उन्होंने मुझे बताया कि उनका 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, दे हैव बीन गोइंग थ्रू दिस ऑल द टाइम, डेली उनके पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस आते हैं ऑफ द सेम थिंग। बेसिकली उन लोगों ने मुझे एक एक चीज को बताया, एक एक चीज से रूबरू कराया एंड देन आई गॉट टू नो कि ये इतना बड़ा स्कैम है। बेसिकली हुआ क्या, दैट वाज अमाउंट ऑफ 15 लाख, 15 लाख का अमाउंट था एंड वो 15 लाख का अमाउंट बार बार मार्केट में रोटेट हो रहा था। बेसिकली दैट हैव बीन रोटेटेड इनटू 6 अकाउंट, डिवाइड करके जितने भी अकाउंट्स में जितना भी पेमेंट गया वो पूरा का पूरा पेमेंट जो था जिन जिन अकाउंट्स में रोटेट हुआ उन अकाउंट्स को बेसिकली उन्होंने फ्रीज कर दिया। अब वो जो अकाउंट्स फ्रीज हुए थे वो बाइनेंस का जो यूजर है केतन तानाजी शिंदे जिसने मुझको सेल किया था वो उसकी वजह से नहीं हुए, वो उसने जिसके अकाउंट से पेमेंट किए थे उनकी वजह से, वो कोई जेन्युइन बंदा था, आई मेट टू हिम आल्सो, एक जेन्युइन बंदा था एंड उसके अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन डेबिट हुई थी। अब उनका सिंपल है कि इधर यू विल पनिश द कल्प्रिट और या फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, क्वाइट सिंपल। तो बेसिकली ही गॉट इट अराउंड 6.5 लाख एंड बाकी का पेमेंट अभी पेंडिंग है एंड आई गॉट 1.63 लाख फ्रॉम दैट। एंड एक और अपना था, दैट वाज अनदर केस, दैट वाज सेपरेट केस, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, दैट वाज द फर्स्ट केस व्हिच केम टू मी ऑन 27th of December। सो बेसिकली आज मैं गया, मैंने उनसे बातें की तो उन्होंने मुझे समझाया व्हाट एग्जैक्टली पी2पी इज। आप समझते हो कि पी2पी क्या है, कि सिंपली आपने यूपीआई दिया, यूएसडीटी ले लिया या फिर यूएसडीटी करा लिया, यूपीआई दे दिया, ये चीजें ऐसे काम नहीं करती है, दैट इज वे क्रिटिकल,
वे हेक्टिक, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीजें। आपको पता नहीं है कि इतना बड़ा स्कैम होता है इस चीज में। उन्होंने पूछा कि गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट करते हैं, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के कोई भी प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट इसी वजह से जो है कंप्लाई नहीं करते उनके साथ, एंड द रीजन इज क्वाइट ट्रू। उन्होंने मुझे बताया दैट वॉज अ यूजर केतन दानाजी शिंदे लक्की लक्की करके जो उसकी आईडी थी, दैट वॉज अ फेक आईडी। उन्होंने इतनी स्मार्टली, इतने प्रॉपर तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर एक चीज को इतने प्यारे तरीके से मॉडिफाई करा के, हर एक चीज का वेरिफिकेशन करा के, ऐसा केवाईसी कराया बाइनेंस में कि वो लोग पूरी की पूरी एक्सेस कर सकते हैं, वी कांट, बट द पुलिस दे कैन इंस्पेक्ट प्रॉपरली। वहां पे उन्होंने एक एक चीज दिखाई डिटेल में कि इसका आधार कार्ड है, इसका पैन कार्ड है, डिड यू डन द वेरिफिकेशन बिफोर यू सोल्ड यूएसडीटी टू हिम। अब उस टाइम पे मैं एकदम चुप, क्योंकि दैट वॉज आवर मिस्टेक, हमने डायरेक्टली देख लिया बाइनेंस पे, वेरीफाइड यूजर है, मर्चेंट है, वेरीफाइड मर्चेंट है, केवाईसी कंप्लीटेड है, फोन नंबर वेरीफाइड है, ईमेल वेरीफाइड है, बट दे डिड इट वेरी स्मार्टली। वो इंडिया का है भी नहीं, एंड ही रोटेटेड अ लोड ऑफ अमाउंट्स, बट वो 15 लाख का अमाउंट एक उनमें से एक था जिसका पार्ट हम भी बन गए। सो बेसिकली द ओपोनेंट पार्टी रेज्ड अ डिस्प्यूट, एंड जिसका असर अपने ऊपर हुआ 8 महीने के बाद, जब 27th ऑफ दिसंबर को मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ, उसके बाद उन लोगों ने मुझे बताया व्हाट यू कैन डू इज सिंपली, आप लोग, आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपका यूएसडीटी गया। अब 6 महीने से ज्यादा की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बाइनेंस भी नहीं रखता है, अब बाइनेंस पे अगर हम डिस्प्यूट रेज करते हैं तो वो भी हमें पैसे वापस नहीं देगा, सिंपल सी चीज है। 1-2 महीने का होता है तो भी फिर चल जाता है, अब बाइनेंस भी पैसे देने से रहा, अब बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज मेरा पत्ता साफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो ऊपर का 1.63 लाख वो मुझे उस ओपोनेंट पार्टी को देना होगा, उस विक्टिम को देना होगा, जब तक मैं उसको पैसे नहीं दूंगा मैं अकाउंट वोंट गेट अनफ्रीज्ड। मुझे उनको पैसे देंगे, एप्लीकेशन आई हैव ऑलरेडी रिटर्न, एप्लीकेशन का जो सेक्शन है वो मैं इस वीडियो के बीच में डाल दूंगा डेफिनेटली, दैट आई हैव रिकॉर्डेड इन द पुलिस स्टेशन। एंड उन्होंने ये चीज के लिए तो उन्होंने एग्री नहीं किया, दैट आई विल बी टेलिंग ऑन यूट्यूब चैनल कि ऐसा ऐसा होता है, बट उन्होंने बताया मेक श्योर टू अवेयर पीपल्स थ्रू दैट, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा स्कैम बढ़ता हुआ जा रहा है। सो बेटर कि किसी भी ऐसे वेंडर से ट्रेड करो जो एटलीस्ट अपना वेरिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपरली दे बिफोर ट्रेडिंग, जो आप लोगों को वेरिफिकेशन पूरा का पूरा बताए दैट यस दिस इज माय डेटा, दिस इज मी, दैट आई डू इन दिस प्रोसेस आई डू। सो बेसिकली इन चीजों को वेरीफाई करना ना आज के टाइम में मैंडेट हुआ। आई वाज टेकिंग इट लाइकली कुछ भी नहीं होगा, चल जाएगा, बट यस जब उनसे बात करी द वे ही लेट मी गेट अंडरस्टूड, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे समझाया, आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने जस्ट पेपर एंड पेन उठाया, जस्ट स्टेप बाय स्टेप, डॉट बाय डॉट उन्होंने एक चीज को बताया, एक पॉइंट को मेरे सामने रखा, दैट टाइम आई गॉट टू नो कि हम लोग कितने गलत है, कितना मिसगाइड करते हैं हम लोगों को। हम जस्ट अपने पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज को सेट करके बोल देते हैं। यूट्यूब चैनल पे मैंने जितने वीडियोस देखे सब में सबने ये बोला कि पुलिस वालों के पास जाओगे वो घुसखोरी करेंगे, पैसे लेंगे, 50,000-1,00,000 रुपए लेके आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। बट व्हेन आई मेट टू देम, उन्होंने मुझे क्लीन बोला, आप मुझे करोड़ दे दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, और आप मुझे जीरो दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं आपके पास। व्हाट वी वांट इज कि विक्टिम खुश रहे, जो सामने वाली पार्टी है, ओपोनेंट पार्टी, उसको उसका फंड मिल जाए, एंड ही मस्ट गेट हैप्पी। वही हमारा काम है, हमें आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। जस्ट व्हाट वी वांट इज कि देखो हम भी जानते हैं इस चीज में, आप डेफिनेटली हम आपको डिप्रिसिएशन नहीं दे सकते क्योंकि अमाउंट जो है वो सामने वाले का गया, एंड इज अ पुअर वन, सो बेसिकली आपका अमाउंट तो वापस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन यू कैन नॉट गेट, बट इज द वे ही टॉक टू मी, एंड उन्होंने मुझे समझाया, दैट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव, एंड इट वॉज आई मस्ट से वन ऑफ द बेस्ट पुलिस। एंड उन्होंने मुझे बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर किसी का 1,000 रुपए भी फंसे, 5,000 रुपए भी फंसे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, दैट इज नॉट द केस ऑफ अरेस्ट। आप लोग जाओ आराम से बातें करो उन लोगों को, डिटेल में एक चीज बताओ, जब तक आप लोग नहीं बताओगे, जब तक आप लोग एक्शन नहीं लोगे, व्हाट विल हैपन, उनका तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा ना, उनको पता है, आप लोगों को पता है 1,000 रुपए मेरे अकाउंट से चले गए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कमा लूंगा। किसी के 10 लाख जाएंगे उसको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, अब वो 10 लाख की एक कंप्लेंट रेज होगी, उस पर काम हो जाएगा। अब 1,000-1,000 की कितनी ट्रांजेक्शन होती होगी, वो जब 10 लाख में कन्वर्ट होती होंगी उसके ऊपर काम नहीं होता। सो बेटर कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, कुछ सीखो, बेटर रहेगा। सो दैट्स अबाउट इट, इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि आज मैंने इसको पर्सनली रियलाइज किया है, पर्सनली फील किया है, वहां पे गया हूं, हर एक चीज को फेस किया है, गो थ्रू किया है, ऐसे घर बैठे मुंह बोली कहानी नहीं बनाई है, हर एक चीज मैंने आपको बताया। एंड वीडियो के बीच में पूरी की पूरी जितनी भी मैंने पुलिस स्टेशन से क्लिप्स उठाई थी या फिर जितनी भी क्लिप्स मैं एड ऑन कर सकता हूं आप लोगों को और डिटेल में बताने के लिए, वो मैंने यहां पे डाल दी है। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड बेसिकली जस्ट आप लोगों को अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि दैट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, एंड P2P स्कैम जो मैंने बताया तो मेरी सोच से भी बियॉन्ड, अब आप लोगों को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, दैट शुड बी वे बेनिफिशियल फॉर यू, अदरवाइज कल के दिन ही आपके साथ भी हो सकता है, एंड 1-2 दिन में नहीं होता है, इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल के बाद भी आपके अकाउंट के ऊपर डिस्प्यूट आ सकता है। सो बेटर सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी होगी आप लोगों को, दैट यू गोट वेल, एंड मिलता हूं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्रोकर के साथ, एक नए वेंडर के साथ, क्योंकि आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स जब से बाइनेंस गया है कि व्हाट इज द अदर ट्रस्टेड ब्रोकर विद व्हाट वी कैन वर्क। एंड अब मैं आप लोगों को एक डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से अब सामने वाले मर्चेंट की आईडी को वेरीफाई करना है इन द प्रॉपर वे। ऑलराइट, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड एट आवर यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, एंड दिस इज मी विपिन साइनिंग आउट।